नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हैवानियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कानून व्यवस्था को धता बताकर कलयुग के दुश्मनों ने अब महिलाओं के चीरहरण के साथ ही विरोध पर उनकी आंखें फोड़ने से भी नहीं हिचकिचाते। बुद्ध की धरती श्रावस्ती जिले में एक विधवा को अनाज का लालच देकर एक दरिंदे ने न केवल उसकी इज्जत लूट ली बल्कि विरोध करने पर विधवा की आंख भी फोड़ दी। घटना में पुलिस प्रशासन की कार्यवाही से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने श्रावस्ती जिले के सोनवा थाना क्षेत्र में बीते 6 मई को गांव के दबंग द्वारा विधवा के साथ हुए दुष्कर्म और आंख फोड़ देने की घटना की जानकारी लेने सोमवार को पीड़िता के गांव पहुंचे। पूर्व मंत्री व गैसडी के विधायक SP यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल ने गांववासियों से भी मुलाकात की और पड़ोसी महिलाओं के बयान दर्ज किए। पीड़िता के परिजनों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि पीड़िता के पति का करीब 3 वर्ष पहले निधन हो चुका है। वो गांव में मजदूरी कर अपने 2 छोटे छोटे बच्चों की परवरिश करती थी। आरोपी गांव का एक दबंग व्यक्ति है और उसने अनाज देने का बहाना बनाकर पीड़िता को बुला ले गया और न सिर्फ विधवा के साथ दुष्कर्म किया बल्कि विरोध करने पर ईंटों से चेहरे पर हमला कर आंखें निकाल ली। पूर्व मंत्री SP यादव ने इस घटना को विपत्स बताते हुए कहा कि घटनाएं सत्ता संरक्षित हैं क्योंकि आरोपी BJP मंडल के अध्यक्ष का भतीजा है। आरोपी इस घटना से पूर्व भी गांव के एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर चुका है। हम लोग यहाँ पर आए, उनको जब पता चला तो वो भी बहुत ही दुखी हुए और कहा कि जाकर वहाँ मिलकर दुखी परिवार से और मिलकर हमको रिपोर्ट दीजिए। तो हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि जो है कम से कम 50 लाख का जो बच्चों के भरण पोषण के लिए 50 लाख का कम से कम मुआवजा दिया जाए और जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो संरक्षण दे रहे हैं अपराधी को उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर नहीं किया गया तो घटनाएँ रुकेंगी नहीं प्रदेश में। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने झांसी में बयान दिया कि हमारे भाजपा के लोग थाने में न जाएं, दलाली ना करें। वो खुद ही स्वीकार कर लिए कि भाजपा के लोग दलाली कर रहे हैं और वही मामला यहाँ पर भी है। पुलिस जो है दबाव में आकर, सत्तारूढ़ दल के नेताओं के दबाव में आकर जो है कार्रवाई से जो है कतरा रही है और ये जो इसने ये दुर्दांत घटना किया है, गाँव वालों ने बताया करीब 3 साल पहले भी इसने एक घटना किया था और उसमें उस घटना में बच गया था, इसलिए उस समय भी यही सरकार थी जो आजकल है और उस समय भी सत्ता का संरक्षण मिला था और बच गया था। अगर उस समय कार्रवाई हो जाती तो आज ये घटना नहीं होती। थाना सुनवा क्षेत्र में आज सायं एक महिला घायल अवस्था में गांव में ही पड़ी हुई थी, जिनके आंखों और सिर पर काफ़ी चोटें थी। इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया जहां से बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया। उनका इलाज चल रहा है। उनके देवर द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति को आरोपित करते हुए तहरीर दी गई है तथा रेप के प्रयास की संभावना भी अंकित की है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं के प्रति इस तरह की जघन्य घटनाएँ केवल वासना से प्रेरित होकर नहीं की जा सकती बल्कि इसके मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। दरअसल ऐसे दरिंदों की मानसिकता में एक महिला केवल और केवल उपभोग की वस्तु है और बलात्कार की घटना न केवल उसके शारीरिक बल्कि उसकी आत्मा, उसके स्वाभिमान पर भी हमला करती है और ये ऐसा जख्म है जो जीते जी एक पीड़ित महिला नहीं भुला पाती। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं अशफाक अहमद खान, डीबी भारती समाचार, श्रावस्ती। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर।